Yeah, Jack? You can explain to me. How the hell you justify making this much money? Where'd you get this? Dosto, India mein one of the most growing competitive exams or career. Exam dene ke baad aap career hi banate ho, right? Law hai, aur law mein specifically corporate law. CLAT bol ke aapko pata hoga, CLAT exam jo hai. मैंने क्लैट एग्ज़ाम लिखा था 2010 में. इन 2010 व्हेन आई टुक द क्लैट एग्ज़ाम तो 17,000-18,000 लोगों ने क्लैट का एग्ज़ाम लिखा था. अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि 1,00,000 लोग कैट का एग्ज़ाम लिखेंगे. 70,000-80,000 लोग क्लैट का एग्ज़ाम लिखते हैं आजकल. तो इतना शिफ्ट, इतना बड़ा इंक्रीज़ क्लैट में इसलिए हो रहा है कि लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू डू लॉ फ्रॉम एनएलयूज. अब एनएलयूज से लोग लॉ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दे गेट वेरी गुड जॉब्स. जैसा जॉब्स आपको IIT IIM से मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी आपको NLU से मिल जाती है. 12-15 लाख से ऊपर की स्टार्टिंग फिक्स सैलरी आपको मिल जाती है. जो सबसे ज़्यादा रोल होता है या करियर होता है जिसमें यहाँ पे आपको ये जॉब्स मिलते हैं, उसे कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं. इसलिए कॉर्पोरेट लॉ के लिए बहुत मारा मारी है. अ लॉट ऑफ यू नो 12th क्लास स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ यू वॉचिंग ऑफकोर्स दिस, यू वॉन्ट टू डू कॉर्पोरेट लॉ. एंड विच इज़ वाई यू वॉन्ट गो टू लॉ स्कूल्स जो आपको कॉर्पोरेट लॉ करियर दे. अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉर्पोरेट लॉ इन टीयर वन लॉ फर्म्स जो आपको 15 लाख से ऊपर की सैलरीज देते हैं फिक्स्ड स्टार्टिंग सैलरी, वो अगर आप टॉप कॉलेजेस से करोगे, क्योंकि ये टीयर वन लॉ फर्म्स बहुत कम है. नाम भी मैं बताया तो अमरचंद मंगलदास, अमरचंद भी अब दो है, एक सैम है एक कैम है, शरदुल अमरचंद मंगलदास और एक सिरिल अमरचंद मंगलदास, खैतान, AZB, ट्राई लीगल, लूथरा, ये सब आपको कॉर्पोरेट लॉ जॉब्स देते हैं. और ये लॉ फर्म्स होते हैं, ये टीयर वन लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, इंडिया के लॉ फर्म्स हैं. फॉरेन के लॉ फर्म्स को इंडिया में इजाज़त नहीं है कि वो इंडिया के अपना पूरा 100% प्रैक्टिस करें. जैसे लिंक लेटर्स हो गया, LLM हो गया, उन्हें मैजिक सर्कल लॉ फर्म्स कहते हैं. उनकी भी कुछ प्लेसमेंट्स इंडियन लॉ स्कूल से होती है, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से होती है. इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट लॉ का पूरा सब कुछ बताऊँगा, एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, हाउ द करियर लुक्स लाइक, हाउ अ डे इन अ जॉब इज़ लाइक. मैं आपको सैलरीज बताऊंगा जो फर्म्स के नाम लिए हैं. मैं अभी आपको कुछ ही देर में सैलरीज बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या ग्रोथ प्रोग्रेशन होता है वंस यू जॉइन दीज फर्म्स. तो शुरू का सैलरी तो 15-16 लाख स्टार्टिंग मैंने बता दिया, पर 1 करोड़ आप कितने साल में कितने साल बाद कमाने लग जाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी 2024 में निकले हो यू नो लॉ करके और 24वां का प्लेसमेंट हुआ है, तो आप 1 करोड़ का आंकड़ा कब टच करोगे? या अगर अभी आप क्लास 12 लिख रहे हो, अभी आप लॉ स्कूल ज्वाइन करोगे 2024 में, 29 में ग्रेजुएट करोगे, तो 1 करोड़ का आंकड़ा जॉब करते हुए कब टच करोगे, ये पता है लगाया जा सकता है. कैसे लगाया जा सकता है? मैं लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा आपको, नाम नहीं दिखाऊंगा पर करियर ग्रोथ दिखाऊंगा, उनकी सैलरीज बता दूंगा कि कब वो 1 करोड़ टच करती है, ठीक है. सबसे पहले आपको स्टार्टिंग सैलरीज बताते हैं. खैतान का स्टार्टिंग सैलरी है 15.6 का फिक्स देते हैं. अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे 80-90% लॉ फर्म्स बोनस भी देते हैं जो 2 लाख से ऊपर का होता है, 2 लाख के आसपास का स्टार्टिंग होता है. तो खैतान में आप इनिशियली ही ज्वाइन करो, 15.6 लाख का स्टार्टिंग फिक्स सैलरी आपको मिलता है. A0 बोलते हैं, मतलब एसोसिएट. कभी भी सैलरी देखना तो एसोसिएट जीरो, मतलब पहला जब आप एंट्री करोगे वो है खैतान का 15.6, ठीक है. शरदुल अमरचंद मंगलदास, जिसका मैंने नाम लिया था, अमरचंद मंगलदास वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड पॉपुलर लॉ फर्म्स है. इसमें आपको 16 लाख पर एनम का फिक्स सैलरी मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी 16 लाख फिक्स्ड. माय डियर फ्रेंड्स, एक सराफ दिल्ली है, उसका फिक्स 14 के आसपास है और उसमें बोनस भी मिलता है 2.5 लाख का, तो ओवरऑल 16-18 का CDC मिलता है आपको. ट्राई लीगल, जिसका मैंने नाम किया था, उसका CDC 15 के आसपास है और बोनस 2 के आसपास है, तो कुल मिला के 17 लाख का CDC है. सिरिल अमरचंद मंगलदास का भी 16 लाख का CDC है, 14 से 14.5 फिक्स है और 1.5 से 2 लाख का बोनस है. लूथरा का CDC 16 है, अराउंड वही 14 फिक्स एंड 2 लाख का अराउंड अप्रॉक्सीमेट सैलरी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको नहीं बता सकता, 2 लाख का बोनस. एक और बात बता दूँ, सैलरीज बहुत सारे फर्म्स के बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में अलग अलग हैं, बट ज़्यादा अंतर नहीं होगा. दोस्तों ये मेरी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 2023 के आसपास का फिगर्स हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि चलो आप कॉर्पोरेट लॉ की सैलरीज मैंने बता दिया, फर्म के नाम बता दिए, अब आपको बताता हूँ कि लगता कैसे है जॉब. तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छे लॉ कॉलेज से हो, जैसे टॉप 6 NLUs, सिंधी, जिंदल, यहाँ के अच्छे बच्चों को जिन्होंने अच्छे से ग्रेजुएट किया, उनको ये फर्म्स में जॉब्स इन स्टार्टिंग आराम से मिल जाते हैं, अदरवाइज टफ होता है. तो अगर आप टॉप 10 लॉ कॉलेजेस से नहीं हो तो उसके बाद इट बिकम्स अ रियल टफर टू गेट. टॉप 8 NLUs मान लो, मतलब कि NLU दिल्ली है, NLSIU बैंगलोर है, नालसार हैदराबाद है, NUJS कैलकाटा, NLU जोधपुर, उसके बाद आपके हो गए GNLU और NLIU भोपाल, ये NLUs, उसके बाद सिम्बायसिस लॉ स्कूल और जिंदल लॉ स्कूल, इन सब में आपको
थोड़ा इजीली कंपेयर टू अदर लॉ स्कूल्स आपको ये जॉब्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कि यहाँ पे कैसा आपका लाइफ होगा, लाइफ के बाद मैं आपको ग्रोथ बताऊंगा, 1 करोड़ कब टच करोगे, ठीक है। और मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा कैसे उन्होंने ग्रो किया और कौन से कॉलेज से, ये भी आपको दिखेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फर्म्स आर रियली ग्लैमरस, सो व्हेन यू गेट इनटू देम यू विल फाइंड यू नो पीपल हु कम फ्रॉम टॉप लॉ स्कूल्स, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब हाउ द नॉर्मल वर्किंग आवर्स विल बी कि पर वीक आपको 72 to 80 hours काम करना होगा। ऑफकोर्स कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट फॉर्म में काम ऐसा नहीं होता कि कंसिस्टेंट रहे, तो कभी ज़्यादा कभी कम, पर ऑन एन एवरेज 72 to 80 hours पर वीक। तो अगर आप 6 दिन काम कर रहे हो तो 12 घंटे काम करना होगा। तो अगर आप 9 बजे घर से निकलते हो, 10 बजे ऑफिस पहुँचते हो, तो 10 बजे रात को निकलोगे, अभी 11 बजे तक पहुँचोगे। वीकेंड में भी काम रहेगा अगर आपका काम ठीक से मैनेज नहीं हुआ है वीकडे में तो। लेकिन काम कैसा रहेगा, काम बहुत ही हेडलाइंस बनाने वाला रहेगा। नंबर वन, बहुत सारे मनी इन्वॉल्व होंगे। आप बताओ, कोई आपको इतना सैलरी दे रहा है ना कि आप इतना स्टार्टिंग सैलरी लो, स्टार्टिंग में ही जब आपको काम उतना अच्छे से नहीं आता है और सैलरी भी करोड़ बहुत जल्दी टच करेगी आपकी, तो आपके फर्म को कितना पैसा दे रहा होगा, राइट। और फर्म को जब इतना पैसा कोई दे रहा है तो काम कितना यू नो मनी इंटेंसिव होगा। तो जो भी आप काम करोगे बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा उसमें और वो हेडलाइंस बनाएगा। जैसे अगर आप किसी फर्म के कमर्शियल एंड बैंकिंग लिटिगेशन टीम में काम करते हो तो वो दोस्तों उसमें करोड़ों रुपए का आप यू नो ये केसेस देखोगे। और कुछ साल बाद आप देखोगे कि आपके पास 1-2 हाई प्रोफाइल केसेस है। हाई प्रोफाइल केसेस मतलब आप जो केस आप जो कर रहे हो उसमें आप यू नो दैट विल मेक हेडलाइंस, हिंदू के, टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस में आएगा। आप उसमें लिखा नहीं होगा आपका नाम नेसेसरीली, आपके फर्म का नाम लिखा हो सकता है, आप क्या केस कर रहे हो लिखा हो सकता है। तो इससे आपके काम का बहुत इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट होने से क्या होगा, व्हेन द वर्क हैज सो मच ऑफ इम्पैक्ट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इन दोस वर्क एज वेल, दैट वर्क एज वेल। सो जैसे देखिए, आप अगर IIM IIT से हो, आप कॉर्पोरेट में कोई जॉब करते हो, तो क्या अंतर होता है। नंबर वन, सैलरी ग्रोथ इतनी नहीं होती जो इस टाइप की सैलरी ग्रोथ आपको कॉर्पोरेट लॉ में मिल रहा है। इनफैक्ट द सैलरी इंक्रीज जो आपको ये लॉ फॉर्म से मिलेगा वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से कंपेरेबल है, थोड़ा बहुत टॉप कंसल्टिंग फॉर्म McKinsey BCG से कंपेरेबल है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, MBA के ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ मैं, अगर आपको कंपैरिजन करूँ तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग जिस तरह का ग्रोथ मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे भी NLUs और टॉप लॉ स्कूल्स में भी लोग कॉर्पोरेट में लॉ वाला जॉब्स करते हैं, उसको इन हाउस लीगल जॉब्स बोलते हैं। इन हाउस लीगल में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10 to 15% होता है जॉब्स में, सैलरी में। लेकिन इन फर्म्स में आप जब जाओगे तो आप जाने के बाद 9-10 साल में पार्टनर बन जाते हो, और पार्टनर बनने के बाद 1 करोड़ सैलरी आपका टच हो जाएगा। कई केसेस में आपको इक्विटी भी मिलता है। तो इन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स यू डू नॉट गेट इक्विटी, मतलब कि आप बहुत CEO भी बन गए, हो सकता है कि आपको सिर्फ सैलरी मिले। लेकिन लॉ फर्म्स में क्या होता है कि पार्टनर बहुत सारे बनते हैं, अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग पार्टनर्स बनते हैं, और हर पार्टनर अपना डोमेन देखता है और उसको बहुत केसेस में इक्विटी मिलता है। मतलब अगर वो कोई केस ला रहा है तो उसका वो कुछ परसेंट प्रॉफिट लेके जाएगा। तो इसमें कई केसेस में स्काई इज़ द लिमिट, अगर 1 करोड़ सैलरी है तो हो सकता है 2 करोड़ का बोनस आ जाए, एंड ये आप 9-10 साल में ही टच करते हो। अगर आपको प्रूफ बिलीव नहीं हो रहा है तो आप ये लिंक्डइन प्रोफाइल देखो। ये सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे से 2012 में निकली है और 2021 में ये सिरिल अमरचंद मंगलदास की पार्टनर बन गई है। मतलब ये करोड़ रुपये के ऊपर खेल रही है सिर्फ 9 साल में। तो अगर कोई 23-24 साल में निकल रहा है लॉ स्कूल से और 32-33 में वो 1 करोड़ तक कमा रहा है, तो इट इज़ अमेजिंग करियर, एन अमेजिंग करियर माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा प्रोफाइल देखें, ये HNLU रायपुर से पढ़े हैं, सेम 2012 में ग्रेजुएट हुए हैं और ये 2022 में पार्टनर बन गए हैं खैतान के, अगेन Tier 1 फर्म। तो ये भी करोड़ के ऊपर खेलेंगे या खेल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एट द एज ऑफ 32-33 आप फिर पार्टनर बन जाते हो, आप करोड़ों रुपये में खेलते हो। आप जिन लोगों के साथ काम करते हो वो खुद CXOs होते हैं, और 2-3 केसेस में आपको रियल मतलब ओवरऑल बताता हूँ। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि साउथ दिल्ली में जो पॉश एरियाज है, GK 1, जोरबाग, सब लॉयर्स रहते हैं, और ये लिटिगेशन वाले लॉयर्स भी होते हैं। लिटिगेशन में क्या होता है उनके लिए, उसके लिए वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, बट वो थोड़ा लेट कमाते हैं, वो तो और ज़्यादा कमाते हैं, उसमें तो करोड़ अगर आप चल गया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट में आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि आप कम नहीं कमाओगे इन फर्म से, तो 1 करोड़ कमा रहे हो। कोई 1 करोड़ 23-32-33 साल के लिए कहाँ कम सैलरी है, आप बताओ। तो यहाँ ये होता है कि यार दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। मैंने कई अपने अभी फ्रेंड्स देख रहा हूँ मैं जो लॉ करके बहुत पैसा कमाए, उनके अब डिवोर्सेस भी हो रहे हैं बिकॉज उनको पर्सनल लाइफ में टाइम देने को है नहीं। जो उस प्रोफेशन से होता है वो समझता है, जो नहीं होता समझ नहीं पाता कि भाई ऐसा क्या जॉब कर रहे हो, क्योंकि बाकी जॉब्स में तो वीकेंड पूरा फ्री होता है, 8-9 बजे तक आप घर आ जाते हो। तो सैलरी आपको कोई देगा ज़्यादा तो लेगा भी उतना ही, बोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स एंड स्किल्स एंड ऑफकोर्स आपसे पैसा कमाएगा। ये है कॉर्पोरेट लॉ की कहानी। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम NLUs, व्हाई डू दे डू कॉर्पोरेट लॉ इंस्टेड ऑफ लिटिगेशन, इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि लिटिगेशन में बहुत बार ऐसा क्या होता है कि अगर आप
आते नहीं हो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन तक, थर्ड जनरेशन, मतलब आपके फैमिली में कोई लॉयर्स नहीं है वो भी इस्टेब्लिश्ड, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको 10-12 साल लिटिगेशन बिजनेस की तरह, जो जिस तरह से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में आपको 5-10 साल लग जाता है ऑर्गेनिकली फिजिकल स्टोर बिजनेस को, उस तरह से लिटिगेशन भी लगता है। आजकल लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ तो 32-33 साल में आप 1 करोड़ कमाओगे निकलते ही, या 15-16 लाख कमाओगे फिक्स, तो यू लिव वेरी ग्लैमरस लाइफ्स। छुट्टी आप कम लोगे, तो मान लो आप काम कर रहे हो, आप साल में 10 ही दिन छुट्टी ले रहे हो, आपके पास अकाउंट में 20 लाख पड़ा है, तो आप उड़ा दोगे ना 10 लाख आराम से। आपको पता है आपका ग्रोथ होना ही है, आपका सिक्योर जॉब है, बस आपको मेहनत करना है। तो दीज आर अ फ्यू रीजंस व्हाई लॉट ऑफ पीपल फाइनली डू प्रेफर कॉर्पोरेट लॉ जॉब्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत लोग जिनको लगता है कि नहीं मुझे अब इतना टाइम नहीं देना है, हेल्थ को देना है, अपने फैमिली को देना है, वो इन हाउस शिफ्ट कर जाते हैं। आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिल गया, तो बहुत लोग चीफ लीगल ऑफिसर्स, जनरल काउंसिल्स ऑफ ग्रेट फर्म्स लाइक ICICI बैंक, स्टार इंडिया बन जाते हैं, वहाँ भी अच्छी सैलरी होती है, आप जल्दी ही 30-40 लाख के ऊपर खेलते हो, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, लिटिगेशन में भी चल जाते हैं, तो एंड लॉ में ऐसा है कि यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड फोर्थ, आप एक बार लॉ फर्म में चल जाओ, फिर आप चल जाओ इन हाउस, फिर आप आ सकते हो लॉ फर्म में अगर आपने अच्छा काम किया, रिलेशन अच्छे हैं, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वेरीड ऑप्शंस। बट ये वीडियो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताओ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।